साथियों, जब हमारे सामने कोई हादसा कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो हम फोटोज और वीडियो जरूर बनाने लगते हैं, फोटोज वीडियो। लेकिन साथियों, आज ऐसी एक खबर निकल कर आ रही है कि किसी का दिल नहीं पसीजा। इस तरह की घटना हुई है जिसमें एक लड़की को सरेआम बीच बाजार में 30 चाकू मारे गए, 34 बार वार किया गया है, जिसमें साथियों लोग वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने साथियों उस लड़की को बचाया तक नहीं। दिल्ली में लड़की को चाकू से गोद कर हत्या करने का आरोपी साहिल था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया गया है। पुलिस ने उसे सोमवार दोपहर 3 बजे बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। साहिल के मकान मालिक ने बताया कि उसके पिता का नाम सरफराज है और वे 2 साल से अपने परिवार के साथ बरवाल की जैन कॉलोनी में रह रहा था। साहिल ने साहबा डेर इलाके में रविवार शाम 16 साल की साक्षी को सरेआम हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्षी के शरीर पर 16 जख्म निकले, जबकि सिर पर पत्थर पटकने की वजह से सिर फट गया। साक्षी की डिटेल पीएम रिपोर्ट आना बाकी। साहिल जब साक्षी पर हमला कर रहा था, तब यह घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी कैप्चर हो गई। इसमें दिखाई दे रहा है कि साहिल ने साक्षी पर 20 से ज्यादा बार मारा है, 6 बार उसे सिर पर पत्थर भी पटक गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन शनिवार को किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। बता दें कि दोस्तों, ये ऐसी बेहद हैरान कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। अब पुलिस ने साथियों आरोपी उस साहिल को गिरफ्तार कर लिया है।